Hey everyone, back to video. Now, जो आज लेटेस्ट न्यूज आ रही है से, guys, उसके लिए आप लोगों को एक हफ्ते से ही वॉर्न कर रहा था एंड मैंने बोला था आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी अपने बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्ट कर दे विद इंडिया जस्ट लाइक न्यूजीलैंड एंड वैसा ही हुआ है आज एक कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ है की ऑस्ट्रेलिया इज गना रिड्यूस देर फ्लाइट नंबर विद इंडिया बाई थर्टी परसेंट टू राइट्रीज Uh, that are frankly of greater risk than, than others. and we've seen in particular, most recently, a, an increase in the, in the rate of cases in, in our quarantine system at a state and territory level for arrivals from india. what we've agreed to do, um, and this particularly relates to the chartered services we're running into the northern territory, uh, we will be uh, reducing by some 30% um, the numbers coming through our chartered services in the months ahead. Uh, we will also uh, be limiting the departure exceptions uh, for Australians uh, travelling to high-risk countries, and that the one we're nominating at the moment, and there will be others, and we'll be working through that over the course of the next week uh, to India, which was kind of a surprise for me because already both limited flights shall and if थर्टी परसेंट रिड्यूस कर देंगे देन दे बी वेरी लिमिटेड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कैन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया एंड उसका एक इफेक्ट ये होगा कि वेटिंग लिस्ट है वो और बढ़ जाएगी दो ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपने बॉर्डर्स फुली क्लोज नहीं किया इंडिया के साथ बट आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इन कमिंग वीक्स और मंथ वो ऐसा स्टेप लें सो so, येस yes, हो सकता है ये चीज़ भी हो एंड न्यूज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है गायज जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर हैं एंड नॉर्दर्न टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं दे आर फोर्सिंग गवर्नमेंट वो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज़ किए जाएँ जस्ट लाइक न्यूजीलैंड बिकॉज जो उनकी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर दे आर अंडर पम्प जो यू you नो know, उनके एक्टिव केसेज हैं उनमें से मेजोरिटी ऑफ द केसेज आर फ्रॉम इंडिया फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वहाँ पर ट्वेंटी एक्टिव कोविड केसेस हैं जिनमें से ट्वेंटी टू आर रिटर्न ट्रेवल फ्रॉम इंडिया सो इस चीज की वजह से दे आर वेरी वरिड के अगर ऐसे ही नंबर बढ़ते रहे ऐसे ही फ्लाइट ज्यादा आती रही इंडिया से देन जो उनकी क्वारंटीन फैसिलिटीज है दे विल अंडर स्ट्रेस एंड दैट्स द रीजन दैट दे आर पुशिंग फेडरल गवर्नमेंट के इंडिया के साथ रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ाई जाए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स की हाउस अफेक्ट स्टूडेंट सो आल टेल यूंग अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया

तो कंसिडरिंग दैट मैंने थोड़ी प्रिडिक्शन की थी कि शायद इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो बट मैं गलत भी हो सकता हूं हो सकता है वो ओपन भी करें कोई प्लान निकाल के लेके आए बट एट द मोमेंट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एंड फॉर द टाइम बींग तो मैंने आपको न्यूज बता ही दी है कि दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द फ्लाइट नंबर फ्रॉम इंडिया नाउ इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ गाइज द ओनली पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू कीप यू गाइज अपडेटेड टू कीप यू गायज इन द लूप क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में एंड आई थिंक इफ अ स्टूडेंट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज न्यूज बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो यही पर्पज है इस वीडियो बनाने का गाइज एंड जैसे ही मुझे कुछ और न्यूज आती है कुछ और अपडेट आती है आई विल पोस्ट ऑन दिस चैनल सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था आई एम कीपिंग अ नाई ऑन दिस एंड यू नो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू माइट मिस ऑन सम इंपॉर्टें इंफॉर्मेशन सो प्लीज मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड आल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर